हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने दोबारा से तैयारी करेंगे AMRS लाइब्रेरी की, यानी कि उसी जो तैयारी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक यानी कि हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने UDC DDC उसके फंक्शंस, नीड और करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लिया था। अब जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक कहीं ना कहीं मैंने आपको जितने भी यानी कि मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में आपको जितने भी DDC PDC ये सब चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से एक्स्ट्रा बताया हुआ है, तो वो एक बार आपको ओवरव्यू आपको बता दूं, जिससे आपको ये ना लगे कि आज का जो टॉपिक है वो छोड़ दिया गया है। वैसे तो करवा दिया गया है, पर आपको कहीं ना कहीं एक बार ओवरव्यू देकर कुछ ही मिनटों में यानी छोटा टॉपिक आपको बता दिया जाए कि ये क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ हमने पढ़ ली है। तो सबसे पहला था हमारा डिज़ाइन एंड डेवलप एमेंडमेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स। ठीक है, ये हमने पढ़ चुका है, यानी कि डिज़ाइन ही पढ़ लिया हमने, डेवलपमेंट पढ़ लिया, और यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के हमने डिज़ाइन और डेवलपमेंट पढ़ लिया। डिज़ाइन में आपको क्या आता है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछने लगे कि लाइब्रेरी के क्लासिफिकेशन के डिज़ाइन में क्या आता है, डिज़ाइन देखो किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी चीज़ को अगर आप हम लेके चलें, जैसे मान के चलते हैं कोई भी हम घर बना रहे हैं, यानी घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए एक डिज़ाइन तय होता है, डिज़ाइन तय होता है, और डिज़ाइन में हम क्या करते हैं उसके घर के जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक तरह से बनाते हैं, कैसे कैसे चीज़ें कहाँ कहाँ क्या क्या लगाना है, उस तरह के जो चीज़ें आती हैं वो सारे के सारे एक डिज़ाइन के फॉर्म में यूज़ होती हैं। यानी कि डिज़ाइन क्या है, आपको ओवरव्यू यानी कि पूरा का पूरा एक तरह से नॉलेज प्रोवाइड करता है किस चीज़ की, कहीं ना कहीं आपके घर की। ऐसे ही हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन होता है, जो क्या करता है, डिज़ाइन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम इज़ नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन टू यानी ऑपरेटिंग द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ असिन, यानी कि एक तरह से असिस्ट करता है आपको कि कौन सा जो कॉल नंबर है यानी क्लास नंबर है डॉक्यूमेंट के लिए कौन से यूज़ होगा, किस लिए यूज़ होगा, पर्सन में किस तरह की चीज़ होंगी, ये सब चीज़ें आपकी क्या हो जाती है, डिज़ाइन में यूज़ होती हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक डिज़ाइन के तौर पर आपको बताया गया है। डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट में आपको बताया गया था कि कौन सा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैसे कैसे डेवलप हुआ है, ये आपको सब कुछ को बताया गया, यानी कि क्लासिफिकेशन में डिज़ाइन और डेवलपमेंट हमने कर चुका है। कर तो हमने सारा ही टॉपिक चुका है, इसमें आपको थोड़ा सा एक तरह से रिकॉल करा दूँगा। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई कि डिज़ाइन में क्या है, डेवलपमेंट में क्या है और किस तरह से चला आ रहा है। यानी कि जब थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन को आप पढ़ोगे तो इसमें डिज़ाइन और जो हमने पढ़ा हुआ है यानी कि स्कीम्स हैं वो सारी की सारी लाइब्रेरी की CC DDC ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ चुकी होंगी कि जो हम पहले पढ़ते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ सब डिवीज़न यानी कि सब डिवीज़न इंडेक्स। सब डिवीज़न इंडेक्स में क्या था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब सब डिवीज़न इंडेक्स की बात आ रही थी, हम DDC की बात कर रहे थे, तो DDC में आपको मैंने सब डिवीज़न इंडेक्स में आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट सब डिवीज़न हैं, रुकिए एक मिनट, इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, इसमें एक यानी कि ये क्या था, सबसे पहला था हमारा 01 में फिलॉसफी, आपको ये मैंने लिखवाया भी था और ये आपको पता भी होगा कि क्या बताए थे मैंने, फिलॉसफी एंड क्या है थ्योरी, ये किसका था, DDC का, यानी कि DDC मैं आपको बताया था। फिर क्या था हमारा जो टेबल, ये आपको टेबल के तौर पर आपको बताया भी होगा, फिर ये था मिस से लेनी, फिर क्या आता 03 में क्या था, डिक्शनरी, ये सारे लिखवाने पड़ेंगे या फिर आपको याद आ चुके हैं, चलो एक बार को मैं लिखवा ही देता हूँ आपको, इसमें क्या था इनसाइक्लोपीडिया इन साइकोलोपीडियाज
2004 स्पीसीज टॉपिक, ठीक है। फिर आता है 05 सीरीज यानी सीरियल पब्लिकेशन। जो हिंदी के स्टूडेंट है अगर उन्होंने क्या, जैसे बहुत सारी चीज़ें तो आपको मैंने पहले ही बताया था, तो भाई देखो इंग्लिश में लाइब्रेरी को हर हालत में इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में आपका काम नहीं चलेगा, हिंदी में आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। हिंदी वाले आप क्या करो, देखते यानी इस चीज़ों को समझते रहो, और जैसे कि बहुत सारी ये देखो ये तो सब चीज़ समझ में आ रही होगी, तो इसमें आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या आता है 06 यानी कि 06 में क्या आ गया, सॉरी अभी क्या पढ़ा हमने 06 07 07 में क्या आएगा, स्टडी एंड टीचिंग। 08 में क्या आएगा हमारा हिस्ट्री एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट अमंग ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि हिस्ट्री एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट अमंग ग्रुप्स ऑफ पर्सन। 09 में क्या आएगा, 09 में आएगा हिस्टोरी कल पहले आपने क्या पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये सब चीज़ें पढ़े अब बना पढ़ा हमने हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ये पढ़ा हमने। यानी कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हो क्या, किस चीज़ की बात चल रही है, यानी कि जो सब डिवीज़न इंडेक्स है उसकी बात चल रही है, और उसका एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ होते हैं। यानी कि मान के चलिए कि कुछ चीज़ तय है, निर्धारित है, और उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ ऐसी हैं जिसमें आप फेरबदल कर सकते हैं और उसको समय के साथ साथ उसकी उपयोगिता को और उसके चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड का ध्यान रखना, कि स्टैंडर्ड जैसे हम जो टेबल 1 टेबल 2 इस तरह कहते हैं ना DDC में टेबल 1 टेबल 2, वो क्या है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न की बात आती है, यानी कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न की बात आती है, और स्टैंडर्ड सब डिवीज़न सब ने पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, बस वही है कि आपका जो जैसे कहते हैं ना माइंड में वो चीज़ें हम आ रही इसलिए नहीं आती, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देते हैं यानी कि हम जब एक तरह से डिग्री को लेना चाहते हैं, तो डिग्री लेने के टाइम पर हम बहुत से क्या सभी ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट नंबरों के पीछे भागते हैं, और नंबरों के जब पीछे भागते हैं तो हम जैसे 10 टॉपिक है, 10 में से हमें पता है 5 टॉपिक में हमारा काम चल जाएगा, तो हम वो 5 टॉपिक छोड़ देते हैं कि जिससे टाइम वेस्ट ना हो, और उन्हीं 5 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं जिससे हमारे नंबर अच्छे आ जाए। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें समय के साथ छूटती चल जाती है, उसमें आपकी गलती भी नहीं है और कहीं ना कहीं हमारी गलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो भाई सबसे पहली बात आती है नंबरों की, कोई भी चीज़ हो बच्चा लेके चलेगा नंबर की, कि नंबर आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, फर्स्ट डिवीज़न बन जाए, ये सब चीज़ आएगी। जब ये सब चीज़ें आती है तो यही टॉपिक होता है, अगर मान के चलो जैसे MA में सभी जगह होता है क्या होता है कि 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5 करने होते हैं, तो अब ये है कि 10 यूनिट है, 10 में से सबको पता है कि मुझे ये मान के चलते हैं कि पहली 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 यूनिट है, इसमें से और करके आएगा, 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 इसमें से और करके आएगा। मुझे पहली यूनिट आती है, आसान है, मैं उसे करूँगा, यानी कि जो आसान है वो हम उसे करते हैं, हार्ड वाली यूनिट को नहीं। अब दूसरी हार्ड है, तीसरी हार्ड है, चौथी आसान है, तो यानी कि मतलब इसमें से एक निकाल लिया, इसमें से एक निकाल लिया, अब इसमें मुझे पाँचवीं आसान लगी, छठी हार्ड लग रही, इस तरह आठवीं आसान लग रही है, 9 10 यूस, तो अब मैंने क्या करा, 2 यूनिट कौन कौन सी छोड़ दी, 2 छोड़ दी, 3 छोड़ दी, 6 छोड़ दी, 7 छोड़ दी, 9 छोड़ दी। अब क्या होगा जब एग्ज़ाम की बात है, यानी कि ये तो हमारी डिग्री की बात हो गई, अब जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर तो इस तरह ही होगा
वहाँ पर तो आपका ये नहीं होगा कि 10 में 5 यूनिट कवर कर लो, वहाँ पर तो होल सिलेबस आएगा। यानी कि होल सिलेबस में अब जो 9, 6, 7, 3, 2, 1 वाली जो कहानी है वो हमने छोड़ी है, तो उसमें क्या हुआ, वो डिफ़िकल्टी थी, और डिफ़िकल्टी में हमने क्या नाम छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ आपको आगे जाकर यही कॉम्पिटिशन का होता है कि आप जब चीज़ें वो छोड़ते हैं या फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ों को हम एक तरह से इग्नोर टाइप कर देते हैं, तो वही चीज़ आपकी आ जाती है सामने। ठीक है, तो यानी कि ये आपने क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड और ये सब चीज़ें पढ़ ली, यानी कि ये हमने दोबारा एक तरह से रिकॉल कर लिया। स्कीम्स एंड डिज़ाइन, पहले डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए, डिज़ाइन में सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमारे डिज़ाइन के, यानी कि कोई भी क्लास लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का एक डिज़ाइन कैसे कैसे तैयार होता है, कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे सब्जी सब चीज़ें आ जाती है डिज़ाइन में। जैसे मान के चलते ये DDC का लेके चलते हैं, DDC में क्या कैसे कैसे सबसे पहले आता है 0000 से लेकर, यानी कि 0 आपको लेके चलते हैं 0000 से लेकर 999 तक है। ठीक है, ऐसी है ना, CCI DDC इस तरह से उसका डिज़ाइन, फिर डेवलप कैसे हुआ, क्या नाम किस किस तरह डेवलप हुआ, यानी कि पहले एडिशन से लेकर और आखिरी एडिशन तक की बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और ये जो आप जब स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड कौन से उस, यानी कि एक तरह से टेबल या फिर एनेक्सर के तौर पर आपको मिलती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जब समझ में आ गई होंगी तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी आपको समझ में आए। और सब डिवीज़न के ऊपर ना मैक्सिमम एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, और वो भी हायर लेवल में और सब डिवीज़न में अभी तक, यानी कि सब डिवीज़न आपसे पूछा जाता है सब डिवीज़न किसका पार्ट है, तो सब डिवीज़न आपका होता है कहीं ना कहीं टेबल का पार्ट है, यानी कि टेबल का पार्ट है, और इसमें सारे के सारे टेबल्स का तौर पर बताया गया है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।